हाय फ्रेंड, सुषमा की रसोई से एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज आलू दम बनाया जाए। जिसके लिए मैंने आलू लिए, उसे बॉईल कर लिए। अब मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है। तेल गर्म हो गई है, पहले आलूओं को ढालकर अच्छी तरह से लाल कर लूँगी। जब तक आलू लाल हो रही है, तब तक चलिए प्याज कट कर लेते हैं। एक प्याज मैंने कट कर लिए हैं। तब तक आलू भी लाल हो गई है, चलिए आलू को बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में मैं एक तेजपत्ता, जरा सा मिर्ची पाउडर और जरा सा चीनी मिलाऊंगी। प्याज डालकर प्याज को लाल करूंगी। प्याज को अच्छी तरह लाल कर लेना है। तब तक चलिए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। प्याज लाल हो गई है, अब मैं एक चम्मच अदरक लहसुन धनिया जीरा और काली मिर्च का पेस्ट इसमें डाली हूँ। अब मसाले को भी मैं लाल करूँगी। स्वाद अनुसार मैं मिर्ची मिला रही हूँ, नमक डालूँगी और आधा चम्मच हल्दी। मसाले में जरा सा पानी डालकर मसालों को मैं लाल करूँगी। मसालों में मैंने जरा सा पानी डाला है। अब मसालों को मैं लाल करूँगी जब तक कि मसालों से तेल बाहर ना आए। मसालों में बहुत अच्छा कलर आ गया है और तेल भी अलग हो रहे हैं। अब मैं इसमें आलू को डालूँगी। अब इसे भी मैं अच्छी तरह मिलाऊंगी। अब 2 से 3 मिनट खोलने देंगे ताकि पानी पक जाए। एक टुकड़ा आलू मैंने रख लिया था, अब मैंने उसे मैश कर लिए हैं। इसे मैं ग्रेवी में ऐड करूंगी। इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। आलू मैश करके डालने से क्या होता है, एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छी लगती है। आलू दम बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना कलर भी इसका बढ़िया आया है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ टमाटर इतनी अभी महंगी हो गई है, बिना टमाटर वाली आलू दम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। कभी घर में मेहमान आए तो इस तरह बंगाली स्टाइल की आलू दम बनाकर उन्हें खिलाइए, गर्मा गर्म पराठा या पूड़ी के साथ। सच में तारीफ बटोरते रह जाएंगे।